सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार राजधानी और आसपास के इलाकों से आग लगने की खबरें आ रही हैं। गुरुवार को लखनऊ के बख्शी तालाब थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव इलाके में आग लगने से 40 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह 11,000 विद्युत लाइन से निकली चिंगारी को बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम तकरीबन आधा घंटा बाद पहुंची, तब तक 40 बीघा गेहूं जलकर राख हो चुका था जब ट्रक में लगी आग। ऐसा ही एक मामला मानक नगर थाना क्षेत्र हरदोई के रिंग रोड के ओवर ब्रिज पर हुआ। ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके चपेट में एक कार और ऑटो आ गया। ऑटो के पचखच्चे उड़ गए, वहीं हादसे में ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। सर, एक एक्सीडेंट हुआ है, पारा में क्या पूरी घटना? ये मानक नगर थाना अंतर्गत CMS के सामने एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गई और जिसमें आग लग गई, और आग लगने से बाद में तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और पुलिस भी मौके पर पहुंची, उसको काबू पा लिया गया। किसी भी जान के हताहत की सूचना नहीं। लेसा में दिखा था तबाही का मंजर। इससे पहले अहिबरनपुर स्थित पावर हाउस में आग लग गई थी, जिससे वहां तबाही का मंजर देखा गया था। लोगों में अफरा तफरी का माहौल था। बाद में किसी तरह आग पर काबू पाया गया। सवा घंटा के आसपास, सवा घंटा पहले जस्ट। कल की गाड़ी कितनी देर बाद पहुंची है? एक करीब पहुंची होगी हमारे ख्याल से आग लगने के 35-40 मिनट बाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।